हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, हाउ वी आर द नॉर्थर्न प्लान फॉर्मिंग। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एज ज्योग्राफी इज द सेकेंड चैप्टर। हाउ वी आर द Northern plain formed. Know that there is a most important question for the exam view. The northern plains has been formed by three major river system, namely the Indus, the Ganga, and Brahmaputra. There is important here. The northern plain formed here is a three major river system here, namely as the Indus, Ganga, and Brahmaputra. Along with there is a tributaries, and this plain are formed of available soil. That is the most important soil here. The deposition of the alluvium in the of western basin land at the foot hills of the Himalayas over 2 million of year formed, and this variety is plant. There is important here the alluvium soil and the fertile plant, and this is important. With the rich soil is the cover is combined with the aquatics is water supply and favorable climate, it is agriculture is very productivity part of India. There is the most important northern plain for there are the three rivers are mostly important, Indo, Ganga, and Brahmaputra. Secondly, here is the most important they are formed to the alluvial soil, and third is the most important here ki over to millions of Himalaya there is the fertility plant is the most important, and its cover combined with the aquatic water supply and a favorable climate there is the most important according to this question. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है कि उत्तरी जो है मैदानी का निर्माण कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, जो कि पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है, ठीक है, भारत की जो है भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का नाइन्थ क्लास का जो है सेकेंड चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र में, अगर भारत के मानचित्र पर हम अध्ययन करें, तो उत्तरी मैदान का अपना एक विशेष स्थान रखता है, और इसी वेस पे क्वेश्चन भी है कि उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प रहता है और एग्जामिनर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसको रखता है एग्जामिनर के लिए भी। तो यहाँ तो क्वेश्चन आप समझ गए हो अच्छे से कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। चलिए देखते हैं, अगर देखा जाए तो उत्तरी मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी जो है प्रणाली, यानी देखा जाए तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यानी उत्तरी मैदान का जो है निर्माण हुआ है, तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनके सहायक नदी, जो इनके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इन मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, यानी देखा जाए तो ये मैदानों का जो निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कृषि के लिए। कहते हैं लाखों वर्षों में हिमालय की जो है तलचट्टी में स्थित एक विशाल बेसिन में जलोद के निष्पेषण से इन उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है, और कहते हैं उसके पश्चात पानी की आपूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ समृद्ध मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही उत्पादक हिस्सा रहा है। आपको पता है जिस प्रकार हम उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो है उपजाऊ काफ़ी धरती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जलोद मिट्टी। और उससे भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और पांच नदियों का समूह। तो कहते हैं इस क्षेत्र में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उत्तरी के मैदान, जहाँ पर कृषि के लिए जलोद मिट्टी जो है अपनी उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। और यहाँ देखा जाए तो इनकी जलवायु भी काफ़ी अनुकूल होती है, और यहाँ के जो मिट्टी के आवरण हैं वो कृषि योग्य के काफ़ी महत्व रखता है, और यहाँ पर हर तरह की कृषि जो है बहुत आसानी से लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान, कहते हैं अगर देखा जाए तो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात रखती है कि यहाँ पर जो है पानी की सुविधाएं मुहैया रहती है, क्योंकि साल भर ये नदियाँ बहती रहती है और पानी की यहाँ कमी नहीं रहती, जो सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगेन क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। देयर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम व्यू ऑन द हिस्ट्री चैप्टर। The what do you mean by the theory of plate tectonics? The answer here, the earth a scientist has explained the formation of physical features with the help of some theories.
एंड वन सच अ थ्योरी इज देयर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. इज इम्पोर्टेंट हियर दिस थ्योरी इज गिवन हियर अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट. द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट रिजल्टेड इन देयर बिल्ड अप द स्ट्रेस विद द प्लेट्स एंड लीडिंग टू द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग एंड वॉल्कॉनिक एक्टिविटी. देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी गिवन हियर अ साइंटिस्ट अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. यू नो दैट देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट हियर अकॉर्डिंग टू द क्रस्ट दिस थ्योरी द क्रस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ. द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मड आउट ऑफ सेवन मेजर एंड सब माइनर प्लेट. देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट इज रिजल्टेड इन द बिल्डिंग्स ऑफ द स्ट्रेस विथ इन द प्लेट्स एंड लीडिंग टू द फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटेलिजेंसी क्वेश्चन आया है हमारे समक्ष कि प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं. देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सिद्धांत वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रखता है और इस चैप्टर के अंतर्गत भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है. कहते हैं अगर देखा जाए तो पृथ्वी वैज्ञानिक ने कुछ सिद्धांतों की मदद से भौतिक विशेषताओं के निर्माण की व्याख्या की है. और जनरल सी बात है कि भूवैज्ञानिक जो होते हैं पृथ्वी वैज्ञानिक वो कुछ ना कुछ विशेषताओं का जो है हमेशा बखान करते ही रहते हैं और नई नई खोज होती रहती है. ऐसा ही एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत. देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है और इस सिद्धांत के अनुसार भूपट्टी यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग का निर्माण सात बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से हुई है. ये तो आपने सुना भी होगा कि कभी भी भूकंप आती है तो प्लेटों का ही खिसकती है. यानी हमारे धरती का निर्माण जो है कुछ सात बड़ी प्लेट है और कुछ छोटे प्लेट भी हैं और इन प्लेटों के कारण जो है ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इन प्लेटों में संचलन के लिए परिणाम स्वरूप प्लेटों में भीतर तनाव का निर्माण होता हुआ है जिससे हम तभ्रम और ज्वालामुखी गतिविधियां कहते हैं. यानी देखा जाए तो इसका कारण जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आता है इन प्लेटों के भीतरी तनाव का वो होते हैं तह भस्म और ज्वालामुखी गतिविधियाँ. यानी ज्वालामुखी गतिविधियाँ होगी तो ये प्लेट पर जो है ज़रूर असर पड़ेगा. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत क्या है. तो इसमें बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको जो है आंसर दे सकती हो कि इस सिद्धांत के अनुसार भूपट्टी यानी पृथ्वी के जो है ऊपरी भाग का निर्माण सात बड़ी प्लेटों से हुई है. यानी देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो निर्माण हुआ है सात बड़ी प्लेटों से हुआ है और यहाँ तक सीमित नहीं है. आप सोचते हो कि सात प्लेट ही है जो इसका निर्माण हुआ है. नहीं, कुछ छोटे प्लेट भी सम्मिलित है और ये प्लेट काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं. इन्हीं प्लेटों को खसकने से जो है अर्थक्वेक आते हैं यानी भूकंप आते हैं जो जनरली देखने को मिलता है. तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन प्लेटों के संचलन के परिणाम स्वरूप प्लेटों के भीतर तनाव का निर्माण सदैव बना रहता है और इसी कारण जो है ताम्रभस और ज्वालामुखी गतिविधियाँ हमें नज़र आती है. नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वेश्चन थर्ड ए देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईयर. नेम द मेजर इज अ फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन हेयर द नेम ऑफ द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हेयर आर द हिमालयन माउंटेन. फर्स्ट पॉइंट हेयर द हिमालयन माउंटेन्स. सेकेंड हेयर द नॉर्थन प्लांस. थर्ड हेयर द पेनासुला प्लेट्यूस. फोर्थ हेयर द इंडियन डिजर्ट. फिफ्थ ईयर द कोस्टल प्लान एंड सिक्स्थ ईयर द आइसलैंड. देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर और नेम द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वह दो रूप में है, ठीक है, 3A और 3B के रूप में है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको पॉइंट व्यू है इसलिए इसको दो रूपों में कन्वर्ट किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. कहते हैं इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है.
एग्ज़ाम में जो है ये आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसलिए आपको सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ पॉइंट व्यू यहाँ बताया गया है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत के प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिख के विस्तार पूर्वक चर्चा करें या इनके क्षेत्रों पर जो है प्रकाश डालिए। तो कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इसी पॉइंट के अंतर्गत आपने हिमालय के बारे में जो है पूरे विस्तार से बताना है। और हम आने वाले क्वेश्चन में हिमालय की विशेषता के साथ हर चीज़ की विशेषता के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट व्यू है, तो ये नहीं सोचिएगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसके रिगार्डिंग बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। त्रिपाण श्री जेंडर ने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ये प्रमुख क्वेश्चन में से माना जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, यानी देखा जाए तो भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको साधारण रूप में देखा जाए तो एक पहला तो आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद है उत्तरी मैदान, यानी उत्तर क्षेत्र में जितने भी मैदान आते हैं उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात आता है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है स्थान, और भारतीय मरुस्थल तो है ही है, और ये रेगिस्तान के साइड प्रेजेंट है भारतीय मरुस्थल, जो कि काफ़ी अपनी विशेषताओं के साथ बना हुआ है। उसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान का भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। उसके बाद है द्वीप। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 3A। अब देखते हैं हमारा 3B। द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाई आर द शिवालिक रेंज प्रोन टू बी अर्थक्वेक? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर कि व्हाई आर द शिवालिक रेंज प्रोन टू बी अर्थक्वेक्स। दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड स्मॉल आंसर हियर। द शिवालिक रेंज आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग एंड दिस इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय फॉर्मड बाय द अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल एंड देयरफॉर दिस रेंज आर प्रोन टू द अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर हियर। द शिवालिक रेंज आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग एंड दिस इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालय फॉर्मड बाय द अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल एंड देयरफॉर दिस रेंज आर प्रोन टू बी अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। दोस्तों यहाँ पर जो शिवालिक पर्वत के बारे में बताया गया है, ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको जो है दिया गया है बी पार्ट में, 3B में, कि शिवालिक पर्वत में भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों होती है। जर्नली भाषा में अगर आपको बताया जाए तो आपको पता है कि शिवालिक पर्वत का जो है तनाव के कारण निर्माण हुआ है, यानी शिवालिक पर्वत में काफ़ी तनाव हुआ, धीरे धीरे ये मैदान क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, प्लेट जो है इकट्ठे होते गए, तो ये शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। तो जर्नल सी बात है, जब इसकी निर्माण प्लेटों से हुई है तो भूकंप की संभावना जो है संवेदनशील होना स्वाभाविक बात है, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जो है भूकंप आए दिन देखने को मिल ही जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको संवेदनशील का नाम दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे ना कि शिवालिक पर्वतमाला भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है। अगर इसके हम आंसर देखा जाए तो यही साफ करता है कि शिवालिक पर्वतमाला अभी भी मोड़ने की प्रक्रिया में ही है, यानी अभी भी शिवालिक जो पर्वतमाला है अभी भी प्रक्रिया चल रही है, यानी मोड़ने की प्रक्रिया में अभी भी सम्मिलित है, अभी भी इसका जो है निर्माण हो रहा है बेखूबी। और यह जो है असंपिंडित शैल सामग्री द्वारा निर्मित हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, यानी देखा जाए तो ये न्यू फॉर्मिड श्रेणियों में से एक है, और इसलिए ये पर्वतमाला भूकंप और जो है भूस्खलन से ग्रस्त रहती है, यानी देखा जाए तो यहाँ भूकंप देखने को मिल जाता है, और साथ में जो है भूस्खलन यानी जो है लैंडस्लाइड होना स्वाभाविक बात रहती है, क्योंकि अभी भी ये जो है मोड़ने की प्रक्रिया में ही है, यानी फॉर्मेशन की प्रक्रिया में ही लगी हुई, अभी भी जो है शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है भूकंप और भूसंकलन होना स्वाभाविक बात होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। हाउ वेयर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर्मेड? देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। हाउ वेयर द अंडमान एंड निको आइलैंड फॉर्मेड? देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। द आंसर इज हियर, इट इज बिलीव दैट दिस इज द आइलैंड आर एलिवेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन इन द बाय ऑफ बंगाल।
That is the first point. It is believed that this island are elevated to the portion of submarine mountain in the Bay of Bengal. And second here, they are localized on the submerged of submarine hill range and probably to the formed by volcanic eruption. That is a volcanic eruption. And third point is important here, the Andaman Nicobar Island formed. Some of the volcanic mountains are still active over there, and they are large in the size and known as there are variety of flora and fauna here. That is a important. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे बना. देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंतर्गत कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे बना. जैसे हिमालय का निर्माण हुआ उसी प्रकार देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह. मैं बता दूँ आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही एक पार्ट है और ये यूटी के अंतर्गत आता है. जैसे आपका चंडीगढ़ यूटी में आता है, दिल्ली यूटी में आता है, उसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यूटी के क्षेत्र में आता है. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका आखिर निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये तो अगर आपको ज्ञान हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो बाय ऑफ बंगाल के साइड है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. यानी कहते हैं पानी के अंदर एक द्वीप है. और ये द्वीप कैसे निर्माण हुआ, आखिर इस द्वीप का निर्माण होना कैसे स्वाभाविक बनी, तो ये बहुत काफ़ी गहरा क्वेश्चन है. अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत गहरा क्वेश्चन है. कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले अपराधियों को भेजा जाता था जो कि काफ़ी खतरनाक अपराधी हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ से उनको भागने का कोई भी मौका प्राप्त नहीं होता था क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता था. इसे अगर जर्नली लैंग्वेज में आपने कभी सुना भी होगा तो इसे काला पानी के नाम से पहले जाना जाता था. ठीक है, अगर आप अपने दादा परदादा मम्मी पापा से पूछिएगा कि काला पानी किस क्षेत्र का नाम है तो वो साफ इसके बारे में बताएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे. तो देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ किस तरह, इसके लिए कौन से फैक्टर थे, कौन से कारक थे जो इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी थे. तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पर्वतों का एक ऊंचा हिस्सा है. अब देखिए कितना इंटेलिजेंट यहाँ पर आंसर आया कि ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है. अब सोचिएगा पनडुब्बी पहाड़ें होती क्या है, तो ये बहुत काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रखता है कि द्वीप समूह की खाड़ी में देखिए पनडुब्बी पहाड़ें, यानी पहले डूबी हुई थी ये पहाड़ें, लेकिन क्या हुआ किसी कारणवश किसी रीजनवश वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग गई. ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है. ये पनडुब्बी पहाड़ें जो थी धीरे धीरे एक ऊंचा हिस्सा के रूप में हमारे समक्ष आई और इस वजह से जो है इस द्वीप का निर्माण हुआ. कहते हैं वो एक जलमग्न या पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और सभ्यता ज्वालामुखी विस्फोट से बने होती हैं. यानी देखा जाए तो इस बात से आप जो है कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे बहुत से द्वीप समूह हैं जो अभी भी पनडुब्बी पहाड़ के रूप में जो है जल के अंदर समाये हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका भी निर्माण हो. ऐसे बहुत से आप देखोगे द्वीप जो इसी प्रकार से निर्माण से बने हुए हैं. कहते हैं ज्वालामुखी के विस्फोट से ये बनते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं. ये एक जलमग्न होते हैं यानी जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं या इसे पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला के स्थित होते हैं और संभवतः ये ज्वालामुखी विस्फोट से ही बनते हैं. यानी आप समझ गए होंगे कि पनडुब्बी पहाड़ जो होते हैं वो निकलते हैं. और ये पनडुब्बी पहाड़ होते क्यों हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ऐसा होता है. जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ये जो है द्वीपों का निर्माण होना स्वाभाविक बन जाती है. अगर हम बात हम तीसरे पॉइंट की करें तो ये साफ कर देता है कि कुछ ज्वालामुखी पर्वत अभी भी यहाँ पर सक्रिय हैं. यानी अभी भी कई ज्वालामुखी पर्वत जो है यहाँ पर सक्रिय है, एक्टिव फॉर्म में है और वो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों के लिए जाने जाते हैं. तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे आइसलैंड हैं जो ज्वालामुखी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु
वनस्पति आपको पनपते हुए नजर आएंगी। तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बना, इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक समझ लिया और जान लिया। कहते हैं छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसका जो है घाव बहुत तगड़ी है, यानी बहुत काफ़ी जो है ये चैप्टरों को समेट रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। कंपेयर द एक्शन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डिवर्जिंग टेक्टोनिक्स प्लेट। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंपेयर द एक्शंस ऑफ कन्वर्जिंग एंड डिवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। द आंसर हियर, व्हेन द टू टेक्टोनिक प्लेट कवर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एंड रिसाइकल बैक इनटू द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ऑन प्लेट इज डिवाइड अंडर टू द अनदर। यू नो दैट देयर इज इंपॉर्टेंट आंसर हियर। अ टू टेक्टोनिक प्लेट इज अ कन्वर्ज द क्रस्ट is destroyed and recycled back into the interior of earth as one plate derived to under another. The mountain and volcanoes are often found where a plate is a converged. The Himalayas were formed due to the converging of Eurasian's plate with the Indo-Australian plate. At the diversion of boundaries, new crust is created as two plates pull away from each other. Oceans are born and grow while where plate endeavors as a pulley pull apart. Where a diverging to the boundary occur on the land, a rift will arise and marks of the land will be break apart into the distinct land masses. A divergent boundaries between their northern America and Indonesia plate has a casual arise in the middle of Atlantic Ocean. There is a most important question. Compare the action of converging and diverging tectonic plate. The important point here, there is earth one plate divide under to another. There is a first and second layer found where a plate is a converge, and third layer Russians played with the Indo-Australian plate, and next year the new crust is a create a two plate pull away from the each other, and next year the plate diverge or pull apart, and next year a riffle will be arise and the mass of the land will be break apart for distant land masses. That is the most important question and important answer here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पांचवा क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्तनिक प्लेटों के अभिसारी और अपसारी होने की प्रक्रिया की तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा जा सकता है इसको, क्योंकि वर्तनिक प्लेटों के अभिसारी और अपसारी होने की प्रक्रिया की हमें तुलना करना है कि आखिर ये वर्तनिक प्लेट जो है अभिसारी और अपसारी किस रूप से माना जा सकता है। तो यही बात दर्शाने के लिए इस क्वेश्चन को जो है रखा गया है, और ये कई मानने में जो है इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण बन जाता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है तो क्रस्ट नष्ट हो जाती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया ना कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब मिलते हैं तो क्रस्ट नष्ट हो जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में वापस पुनर्नवीकरण हो जाता है, यानी आंतरिक रूप पृथ्वी के आंतरिक रूप में ही दोबारा पुनर्नवीकरण हो जाता है, दोबारा से वो बन जाता है। क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गोता लगाती है, आपने देखा होगा कि भूकंप भी इसी तरह से आता है कि एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के अंदर जो है नीचे गोता लगाता है, जिसकी वजह से सकती है प्लेट और भूकंप का निर्माण होता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि एक प्लेट दूसरे के नीचे गोता लगाती है। पहाड़ और ज्वालामुखी अक्सर वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये होना स्वाभाविक बात है कि अपसारी होने की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पहाड़ और ज्वालामुखी होना अक्सर पाए ही जाते हैं जहाँ प्लेट आपस में मिलती हैं। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ अभिसरण के कारण हुआ है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात आ गया कि हिमालय का अगर निर्माण की हम बात करें तो हिमालय के निर्माण के जो जिम्मेदार कारक है वो कौन है, यूरेशियन प्लेट
कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के साथ अभिसरण के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अलग अलग सीमा पर दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर होने पर नई परत का निर्माण होती है। देखिए, अलग अलग सीमाओं पर यानी देखा जाए तो अलग अलग बाउंड्रियों पर दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर होने पर नई परत का निर्माण होता है और महासागर पैदा होते हैं। यानी महासागर का पैदा होना भी इन्हीं बातों पर जो है निर्भर करता है। कहते और बढ़ जाते हैं, जहाँ प्लेट अलग हो जाते हैं या अलग हो जाती है जब भूमि पर एक अभिसारी सीमा होती है। यानी देखा जाए तो इनके भी एक सीमा होती है, अपनी भी एक मर्यादा होती है। तो एक जो है दरार उत्पन्न होगी और भूमि का द्रव्यमान अलग अलग भूभागों में टूट जाएगा। यानी जो दरार उत्पन्न होगी उससे क्या होगा, भूमि का द्रव्यमान अलग अलग भूभागों में टूट जाएगी। उत्तरी अमेरिका और यूरेशियाई प्लेटों के बीच की अभिसारी सीमा के कारण अंटार्कटिका महासागर के मध्य में एक रीज बन गया है। इसी के कारण जो बर्तानी प्लेटों को जब सारी और अपसारी की प्रक्रिया की तुलना यहाँ पर साफ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर इसको शॉर्ट में मैं आंसर बताऊँ तो इतना याद रखना है आपने कि दो टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में मिलने और क्रश के नष्ट होने के कारण ये बनती है और ये जो होती है दूसरे प्लेटों के नीचे गोता लगाती है। तीसरी बात रहती है कि पहाड़ और ज्वालामुखी अक्सर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और हिमालय का निर्माण जो है रशिया और प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेटों के साथ अभिसरण के कारण ही हुआ है। और कहते हैं अलग अलग सीमा में दो प्लेट एक दूसरे के दूर होने पर जो है नई परत का निर्माण होता है जिसे महासागर पैदा होती और बढ़ते हैं। ठीक है, भूमि पर अब सारी सीमा होती है जो दरार उत्पन्न करती है और भूमि का द्रव्यमान अलग अलग भूभागों में टूट जाएगा। अमेरिका और यूरेशिया प्लेटों के बीच की अपसारी सीमा के कारण अंटार्कटिका महासागर के मध्य में एक रिज बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपने अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, है बहुत आसान। अगर आप इसको पॉइंटों में बदल लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो आपने इसको पॉइंटों में बदल के इसको छोटे छोटे पार्टों में करके इसको याद कर लेना है और ये एग्जाम व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाए। सिक्स क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। द इंडियन लैंडमार्क्स शो अ ग्रेट फिजिकल कंट्रास्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। द इंडियन लैंडमार्क्स शो अ ग्रेट फिजिकल कंट्रास्ट, देर इज एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। द आंसर हियर, इंडिया एज अ लैंडमार्क्स हैज अ ग्रेट कंट्रास्ट एज द पेनिनसुला प्लेट्यूज इन द साउथ इन a very old is a land masses. There is a all land masses is a year here 65 billion millions year, whereas the Himalaya in their northern are fairly a new. The Himalaya in the northern are fairly new is about 25 million years. The old year 65 million years and new year about 25 million year. Tectonically, there is Himalaya and northern plain are is an unstable zone. Is important here. Two land here is a formations is a very old landmarks is a 65 million years and the time period. And the Himalaya is a northern is a fairly new is about 25 million years. Tectonic there Himalayas and northern plain are is an unstable zone, whereas the Peninsular plateau is a very stable. Over million of year weathering force have made the contrast are sharp. Well, the Himalayas are composed of sedimentary and metamorphic rock and a northern plain are made of deposit of aluminium. Aluminium, their peninsular plateau is made up of igneous and metamorphic rock. Whereas the Himalayas have a lofty peak and steep sided is valleys. The Deccan region has a gently rising of ranges and wild valleys. Thus the Indian landmarks show a great physical contrast. There is a most important question and important answer here. And shortly, Indian landmarks is a two types. Old landmarks is a 65 million years ago formation and new year Himalaya is a formation of 25 million years ago. And tectonic, the Himalaya is a northern plain or unstable zone and peninsular plateau is very stable. Over million of years, weathering force have made the
कंट्रा शार्प एंड हिमालय कंपोज ऑफ सेडमेंट्री एंड मेटाफोइड रॉक एंड द नॉर्थन प्लेट आर मेड ऑफ डिपोजिट एल्युमिनियम्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटोज आर मेड ऑफ ऑर्गनोसिस एंड मेटाफोरिक रॉक वेयर द हिमालय हैव अ सॉफ्टली पीक एंड स्टेप सैडली वैली रेकम रीजन एज जेंटली राइजिंग टू रेंज एंड वाइल्ड वैलीज Thus, the India is a landmark show as a great physical contrast. There is a most important question. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है छेमा क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. अगर इसकी महत्वपूर्णता को आपने अगर देखा ध्यान से तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा और इस चैप्टर के अंतर्गत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है. कहते हैं भारतीय भूभाग में एक महान भौगोलिक विषमता दिखाई देती है यानी भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएँ दिखाई देती है. इस कथन की व्याख्या आपने करना कि आखिर भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएँ कैसे दिख रही है और इसका क्या कारण है. तो यही क्वेश्चन का महत्व है और यही क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय भूभाग यानी भारतीय भूभाग क्षेत्र में एक महान भौतिक विषमताएँ दिखाई देती है. तो इस कथन का जो है आपने सतर्क सिद्ध करना है. तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. कई बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है तो वो आंसर वो क्या याद करेंगे. इसलिए हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को आपको समझ में अच्छे से हो क्वेश्चन के पकड़ अच्छे हो. तो यही यहाँ पर आंसर भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएँ हैं. तो इसमें जर्नली सी बात में कोई इसमें दो राय नहीं है कि भारत के भूभाग में काफ़ी विशेषताएँ देखने को मिला है. कहीं ऊंची पर्वत श्रेणी है तो कहीं मैदान है तो कहीं वेलकॉनिक्स है तो कहीं जो है आपको ठंडक है तो कहीं गर्मी है. तो भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएँ देखने को हमें मिलता है क्योंकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुरानी भूभाग है. अगर हम बात करें दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की तो ये काफ़ी पुरानी है और पुरानी इतनी कि आप गणना करना संभव नहीं यानी 65 मिलियन वर्ष है. 65 मिलियन वर्ष कम नहीं होता है. ठीक है तो ये प्रदापी जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुरानी भूभाग है 65 मिलियन मापा जा सकता है. जबकि उत्तर में हिमालय काफ़ी नया है यानी देखा जाए तो हिमालय का निर्माण बहुत साल पुराना नहीं है. हिमालय के तो कुछ ही समय पहले प्लेटों के कारण जो है निर्माण हुई है और इसकी आकलन लगभग जो है 25 मिलियन वर्ष लगाई गई है यानी हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है जो कि काफ़ी नज़दीकी यहाँ मामला आ रहा है. तकनीकी रूप से हिमालय और उत्तरी मैदान अस्थिर है क्षेत्र है यानी देखा जाए अगर हम तकनीकी रूप में देखें तो तकनीकी रूप में देखने से ये पता लगता है कि हिमालय और उत्तरी मैदान अस्थिर क्षेत्र है जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है बहुत स्थिर है. अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा स्थिर और अस्थिर का मतलब क्या है. देखिए अस्थिर जो कंटिन्यू चेक करते रहते हैं उसे अस्थिर कहते हैं और स्थिर जिसका निर्माण ही नहीं होता है. अगर हम देखें निर्माण के अंतर्गत तो अस्थिर मतलब जो निर्माण कंटिन्यू चल ही रहा होता है और स्थिर का मतलब होता है जो निर्माण होना बंद हो गया है. तो यही बात यहाँ क्वेश्चन बताता है कि जब प्रायद्वीपीय पठार बहुत स्थिर है यानी ये अभी कोई एक्टिविटी करके नहीं दिखा रहा है. लाखों वर्षों में अपक्षय बलों ने इसके विपरीत को तेज कर दिया है लेकिन देखा जाए तो लाखों वर्ष में यानी समय के अंतराल में अपक्षय बलों ने इसकी जो है विपरीतों को काफ़ी तेज कर दिया है और जबकि हिमालय तटछटी और कायंत्री चट्टानों में बना है. अगर हिमालय की बात करें हम तो हिमालय का निर्माण जो है तटछटी और कायंत्री चट्टानों के कारण ही हुआ है. तो ये चट्टानें इसके जो इसके हिमालय के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं और उत्तरी मैदान निक्षेपित जदोल से बना हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है. ये प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है. जबकि हिमालय में ऊंची चोटी और खड़ी किनारे वाली घाटी भी पाई जाती है यानी यहाँ पर वैली भी पाई जाती है छोटी खड़ी और लंबी लंबी. दक्कन क्षेत्र में धीरे धीरे उभरी हुई श्रेणी और चौड़ी घाटियाँ काफ़ी देखने को मिलता है यानी दक्कन क्षेत्र में आप चले जाएँ तो वहाँ पर आपको उभरी हुई श्रेणी और चौड़ी घाटियां देखने को मिल जाती है और इस प्रकार भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएँ देखी जाती है. तो आप समझ गए होंगे कि एक महान भौतिक विषमताएँ क्या होती है.
हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हर क्षेत्र के विषय में कुछ नए जानने को हमें मिला, तो यही विषमताएँ हैं। कहते हैं हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, उनकी विषमताओं की बात कर रहे हैं कि भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएँ इन्हीं कारणों से है। कहीं किसी का निर्माण लाखों वर्ष लगे हैं, किसी की जो है कायंत्री चट्टानों से बने हुए हैं, तो कोई क्षेत्र को देखोगे तो बड़े बड़े यहाँ पर बेली पाई जाती है, कहीं कहीं चौड़ी घाटियाँ पाई जाती है। तो इतनी विषमताएँ सिर्फ भारत के भूभागों में ही देखने को मिल सकता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता था, अगर आप इसको समझने की कोशिश अच्छे से करते हो तो समझ में भी आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्मेड। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्मेड, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। द आंसर हियर इन अ पॉइंट, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया अ पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देयर इज इम्पोर्टेंट, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवानास लैंड। एंड बी पार्ट हियर, अ गोंडवाना लैंड इज इंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंडमार्क्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट हियर, कन्वेंशनली इज अ क्वेंट स्प्लिट देयर अ क्रस्ट इंटू अ नंबर ऑफ पीसीस एंड देयर बाय टू द लीडिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बिगेनिंग टू सेपरेट इट फ्रॉम अ गोंडवाना लैंड टू अबाउट टू द नॉर्थ। देयर इज इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हियर, द नॉर्थ वॉर्ड इज अ ग्रैप रिजल्टिंग इन द कोलिजंस ऑफ द प्लेट विद देयर अ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। देयर इज अ 4 पॉइंट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, आई रिपीट अगेन, द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड गोंडवाना लैंड इज इंक्लूड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंडमार्क्स। एंड कन्वेंशनली इज अ करेंट इज अ स्प्लिट देयर क्रस्ट इंटू अ नंबर ऑफ पीसीज देयर बाय लैंड टू बी अ ड्रिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम अ गोंडवाना लैंड टू अबाउट द नॉर्थ। एंड द नॉर्थ लैंड इज अ ग्रिफ्ट अब रिजल्टिंग इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट हियर। द नेक्स्ट हियर ई पार्ट, ड्यू टू दिस इज अ कोलिजन देयर इज अ सेडिमेंटरी रॉक विच वेयर अकोमुलेटेड इन देयर इज अ जेनोसैलिन्स नोन एज द थैरस वेयर फॉर्डेड टू फॉर्म अ माउंटेन सिस्टम्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड हिमालयस। देयर इज इम्पोर्टेंट, द हिमालयस आर रिप्रेजेंटेड ऑफ यूथफुल टाइपोग्राफ विद अ हाई पीक एंड डीप वैली एंड फास्ट ब्लोइंग रिवर। देयर इज अ इम्पोर्टेंट हियर, ड्यू टू द कोलिजन एंड सेडिमेंटरी रॉक विच वेयर अकोमोडेटेड इन देयर जेनोसिक्लिन नोन एज द थैरस एंड वेयर फॉर्डेड फ्रॉम टू द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्ट एशिया एंड हिमालय। एंड द हिमालयस इज रिप्रेजेंट अ यूथफुल टोपोग्राफ विद अ हाई पीक एंड डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, करीबन हर एक क्वेश्चन में इसका कुछ ना कुछ अंश देखने को मिला ही है। आपने हिमालय के विषय में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के रूप में या उदाहरण के रूप में आपने देखा ही होगा कि उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर थी। यानी देखा जाए तो इस चैप्टर के अंतर्गत हिमालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हिमालय के महत्व के विषय में आ जाए चाहे हिमालय के निर्माण के विषय में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पे ही सारे चैप्टर आधारित है। तो यही क्वेश्चन का जो है हमारा अगला क्वेश्चन आया है 7वां, कि हिमालय कैसे बना और इसका वर्णन कीजिए। आखिर देखा जाए तो हिमालय कैसे बना और इसके बनने में कौन कौन से कारक जो थे उत्तरदायी है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि ये सारे क्वेश्चनों में अपना एग्जाम्पल के तौर पे था और आप अभी जो है खुद का एक क्वेश्चन है। तो हिमालय कैसे बना, कहते हैं अगर देखा जाए पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो कहते हैं भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय भाग यानी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। यानी देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय भाग था, इसको हम गोंडवाना भूमि के नाम का हिस्सा भी कह सकते हैं। गोंडवाना भूमि में भारत ऑस्ट्रेलिया
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग के रूप में शामिल थे। तो आपके समक्ष ये क्वेश्चन आ गया होगा, प्रश्न कि भाई जब गोंडवाना भूमि के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एक ही भूभाग थे तो आज इतने दूर क्यों है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पहले ये सारे के सारे आपस में चिपके हुए थे, लेकिन जैसे प्लेट में आपको पता खिसकाव आती है तो पानी की दरारें पड़ जाती है और ये धीरे 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 जो है सभी अलग दूर थलग चले गए। तो ये आपको साफ समझ में रहना चाहिए कि पहले ये सभी एक ही पार्ट हुआ करते थे, यानी पहले के समय में देखा जाए तो कोई अधिक दूर भारत नहीं था, अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, सब एक ही साथ हुआ करते थे। लेकिन समय बीतते हुए सब कुछ जो है बदलाव होते गया और इनके जो है प्लेटों में दरार आती गई और ये जो थे एक पार्ट से दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आने वाला समय में भी है और अभी हो भी रहा है, कई जगह देखने को मिला है। अगर मानचित्र देखोगे तो मानचित्र में काफ़ी बदलाव आ गया है, जो सैटेलाइट से तस्वीर ली जा रही है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को नज़र मिल सकता है। तो ये सब ऐसे ही होता है। कहते हैं संवहन धाराएं कष्ट को इस टुकड़ों में विभाजित करती है जिसे गोंडवाना भूमि से उत्तर की ओर अगले होने जो अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बहाव ले होता है, यानी बहाव होता है यानी ये बह जाता है, यानी संवहन धाराएं कष्ट की कई टुकड़ों में जो है विभाजित कर देती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है जिसे गोंडवाना भूमि के उत्तर की ओर अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का जो है बहाव हो जाता है। उत्तर की ओर बहाव के परिणाम स्वरूप प्लेट बहुत बड़ी यूरेशिया प्लेट से टकरा गई, यानी देखा जाए तो उत्तर की बहाव के कारण बहुत जो है यूरेशिया प्लेट से टकरा गई और इस टक्कर के कारण टैसिस के नाम से जानी जाने वाली जुलोस्काई में जमा हुई और सारी चट्टानें मुड़कर पश्चिम एशिया और हिमालय की पर्वतीय प्रणाली बन गई। यानी देखा जाए जो ये टकराव हुई ये बहुत काफ़ी जो है तगड़ी टकराव थी और जिसके कारण जो है जिसके अवसादी चट्टानों में जो मुड़ गई और पश्चिम एशिया हिमालय की पर्वतमाला प्रणाली बन गई, यानी टकराव के कारण ही जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय उच्च चोटी, गहरी छोट घाटियां और तेज बहने वाली नदियों के साथ एक युवा संस्कृति का जो है प्रतिनिधित्व करती है। यानी देखा जाए तो हिमालय का जो है काफ़ी समय अवधि नहीं हुई है, 50 मिलियन ही मापी गई है इसको, तो 25 या देखिए 25 मिलियन मापी गई है, 50 नहीं, ठीक है। तो 25 मिलियन कोई काफ़ी टाइम अधिक नहीं होता, इसलिए इसको जो है युवा संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया। देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया। देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन बट आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लैनेट ऑफ इंडिया। द हिमालय इज अब लेफ्ट आउट ऑफ द टैरोट सी एंड द सबसेडेंस ऑफ देर नॉर्थन फ्लैंक ऑफ द पेनासुलर प्लेट टू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। इन द कोर्स ऑफ द टाइम द डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट अ फील्ड विद द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम रिवर फ्लोइंग फ्रॉम टू द माउंटेन इन द नॉर्थन एंड लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द फर्टाइल्स नॉर्थन प्लान। There is important here and next point here, the spread over an area of 7 lakh square kilometer. The plan are about 2400 kilometer long and 240 to 230 kilometer is awarded. There is important here, I repeat again, the spread over an area of 7 lakh square kilometer spread here. The plan are about 2400 kilometer long and the wide body area 240 to 230 kilometer. This is important and it is a densely is a populated and intensively cultivated area. The reason being there is densely populated and intensively cultivation area here. And the next here, the D, which it is a adequate of water supply and favorable climate is agriculturally a very productivity part of India. The northern plan are broadly divided into three sections. Is important here. The western part of the northern plan is called the Punjab plan,
formed by the Indo and it is a tributaries. That is important here. And next year, the Ganga plan extend between to the Ghagar and the Tista River, spread over their state of Haryana, Delhi, UP, Bihar, and West Bengal. That is important here. The Ganga plan extended to between to the Ghagar and Tista River is spread over to the state of Haryana, Delhi, UP, Bihar, and West Bengal. The Brahmaputra plan lies to be the east of Ganga plan and it is covered to the area of Assam and Arunachal Pradesh. हमारा अगला क्वेश्चन जो है एर्थ काफ़ी महत्वपूर्ण है. कहते हैं एर्थ क्वेश्चन जो है अपने में ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत साफ क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान का जो है आपने वर्णन करना है. हम भारत के उत्तरी मैदान के विषय में चर्चा करते ही जा रहे हैं तो उत्तरी मैदान के बारे में हम और जानना हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा कि भारत के उत्तरी मैदान का किस प्रकार फैलाव है और इसका क्या खासियत है. ठीक है, तो देखा जाए तो भारत के उत्तरी मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है. ठीक है, चाहे विदेश से आने वाले व्यक्ति हो चाहे यहाँ के उपजाऊ क्षमता की बात करें तो उत्तरी मैदान जो है अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है. तो यही पहला पॉइंट भी यहाँ दर्शा रहा है कि 33 समुद्र से हिमालय के उत्थान और प्रदीपीय पठार के उत्तरी भाग को धंसने के परिणाम स्वरूप एक बड़े बेसिन का निर्माण हुआ है. यानी देखा जाए 33 समुद्र से और हिमालय के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को धंसने के फलस्वरूप एक बहुत बड़े जो है बेसिन का निर्माण हुआ है और समय के साथ यह अवसाद धीरे धीरे उत्तर में पहाड़ों से बहने वाली नदियों के तलछट के जमाव से बढ़ गया है. अब देखिए यहाँ अवसाद बताया गया है. अब कन्फ्यूज हो गए कि अवसाद होती क्या है. अवसाद का मतलब होता है दोस्तों कि कभी भी पानी की जब लहरें चलती है तो अपने साथ अवसाद लेके चलती है. यानी अगर आप देखोगे तो जब पानी की तेज हवाएं चलती है तेज लहरें चलती है तो अपने साथ जो है मिट्टी के गाढ़ा मिट्टी भी लेके चलती है जिसे अवसाद का नाम दिया जाता है. और इस अवसाद के साथ मिट्टी तो होती होती है प्लस कूड़े करकट भी होती है. ठीक है, तो यही बात यहाँ अवसाद का अर्थ यहाँ पर बनता है कि बहने वाली नदियों के जलतट के जमाव से भर गया है और कहते हैं उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है. यानी देखा जाए तो एक बात आपने कभी सुना भी होगा कि जब बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब वहाँ पर खेती की जाती है तो वो भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है. तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है क्योंकि ये मिट्टी बह के जो आती है उपजाऊ क्षमता से भरपूर होती है. और उत्तरी मैदान में ऐसा ही उत्तरी मैदान का निर्माण भी हुआ है कि उत्तरी मैदान में जो है कहते हैं पहाड़ों से जो गिरने वाली नदियां जो है ऊपर से गिरती है और नीचे के क्षेत्र में जो है आके जम जाती है और जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर जो है उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण हो जाता है. और इसीलिए उत्तरी मैदान जो है इतना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि पहाड़ों से आने वाली जो अवसादे होते हैं उत्तरी मैदान क्षेत्र में बिछ जाती है और ये कृषि के लिए बहुत काफ़ी अनुकूल रहती है. कहते हैं अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ होता है कि वह जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं. यानी उत्तरी मैदान की हम बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. मैदान लगभग जो है 2400 किलोमीटर लंबा है. 2400 किलोमीटर लंबा होना कहते हैं आम नहीं है. अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो चौड़ाई जो है 240 से लेकर 230 किलोमीटर तक है जो कि इसकी चौड़ाई भी काफ़ी हद तक अधिक है. अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि एक धनी आबादी वाला गहन खेती वाला क्षेत्र है. यानी भारत के उत्तरी मैदान देखा जाए तो ये धनी आबादी वाले क्षेत्र है और आपको पता है धनी आबादी क्षेत्र कहाँ बसता है जहाँ पर उसको हर चीज़ की सुविधाएँ जो है सुचारू रूप से प्राप्त हो. तो उत्तरी मैदान इन्हीं कारणों से जो है काफ़ी धनी आबादी वाली क्षेत्र है और यहाँ पर जो है गहन खेती भी किया जाता है. कहते हैं उत्तरी मैदान से जो है पूरा भारत को जो है खाने के पदार्थ मिलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है. इसके पर्याप्त जल समुद्री और अनुकूल जलवायु के साथ यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही जो है उत्पादक हिस्सा रहा है. यानी उत्तरी भारत के मैदान जो है यहाँ पर अनुकूल जलवायु के साथ होने से और जल आपूर्ति के कारण यह जो है कृषि के दृष्टि से भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर जो है कृषि योग्य हर सुविधाएं जो है उचित मात्रा में विद्यमान रहता है.
कहते हैं उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर तीन भागों में बांट दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी उत्तरी मैदान को जो है तीन जो है भागों में बांटना इसकी जो है विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। यदि हम अगली पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है जो सिंध और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित हुई है। यानी उत्तरी मैदान पश्चिम भाग के पंजाब का मैदान होता है जो सिंध और उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान घाघर और तिस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है जो कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। यानी गंगा का मैदान जो है घाघर और तिस्ता नदी के बीच फैली हुई है और ये नदी जो है गंगा नदी हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में गया हुआ और वेस्ट और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है गंगा के मैदान से पूर्व में स्थित है और इसे असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी शामिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान से पूर्व में स्थित है और इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। 9 क्वेश्चन गिव देयर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गंगा प्लान। देयर इज इम्पोर्टेंट द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गंगा प्लान। द आंसर हियर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गंगा प्लान, द गंगा प्लान आर बेसिन फ्रॉम देयर मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया। यू नो दैट देयर इज इम्पोर्टेंट आंसर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द गंगा प्लान आर बेसिन फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया। द सेकेंड पॉइंट हियर इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। देयर इज अ घाघर एंड तिस्ता रिवर इज द एक्सटेंड बिटवीन। एंड थर्ड हियर इट इज़ अ सेपरेट ओवर टू द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली इज झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द इट्स ईस्ट। देयर इज अ इम्पोर्टेंट हियर। द फोर्थ पॉइंट हियर द गंगा प्लान इज अ ड्रेन मेनली ऑफ ईस्टवर्ड बाय द गंगा एंड इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरीज सच एज द यमुना, घंघरा, घाटक एंड कोशी, सन एक्सेट्रा। देयर इज इम्पोर्टेंट हियर द गंगा प्लान इज अ ड्रेन मेनली ऑफ ईस्टवर्ड बाय द गंगा एंड इट्स अ मेजर ट्रिब्यूटरीज सच एज द यमुना, घंघरा, घाटक एंड कोशी एंड सन एक्सेट्रा। देयर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गंगा हेयर एंड फीचर्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट हियर इट इज स्लोप ऑफ जेंटली ईस्टवर्ड एंड देयर हाईली फर्टाइल सोयल। इट इज एग्रीकल्चरली देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया। देयर इज इम्पोर्टेंट हियर इट इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया। एंड सिक्स एंड लास्ट पॉइंट हियर इट इज अ हाईली पॉपुलेटेड एंड हैव अ सम मेजर सिटी ऑन इट्स अ रिवर बैंक। देयर इज इम्पोर्टेंट द हाईली पॉपुलेटेड एंड हैव अ सम मेजर सिटी ऑन इट्स अ रिवर बैंक द इम्पोर्टेंट हियर। 9th क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यही है कि गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषताओं को आपने संक्षिप्त व्याख्या करना है कि गंगा का मैदान जो है आखिर किस विशेषताओं के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि गंगा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है और कहते हैं ये अपनी विशेषताओं के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषताएँ क्या है ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा और एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि गंगा के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताएं गंगा का मैदान या बेसिन भारत के उत्तरी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करता है। यानी गंगा के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है कि ये जो है बेसिन भारत के उत्तरी मैदान के मध्य भाग का निर्माण करता है। यानी मध्य भाग का निर्माण करने में गंगा का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। कहते हैं दूसरी पॉइंट की अगर बात करें हम तो ये साफ कर देता है कि घाघर और जो है तिस्ता नदी के बीच फैली हुई है। यानी गंगा अगर देखा जाए गंगा के मैदान जो है घाघर और तिस्ता नदी के बीच में फैली हुई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। अगर यही तीसरी पॉइंट के रूप में देखें तो ये साफ कर देता है कि
यह उत्तर भारत, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूर्व में फैली हुई है। यानी गंगा का मैदान जो है, अगर ये पहाड़ पर्वतों से निकलती है तो हरियाणा के क्षेत्र में एंट्री करती है, उसके बाद दिल्ली में इसका नज़र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको नज़र आएगा, फिर बिहार और आंशिक रूप में झारखंड में भी कुछ क्षेत्र देखने को मिलेगा, और बंगाल से पूर्व में फैल जाता है और देखा जाए तो वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके विलीन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गंगा के मैदानी क्षेत्र के विषय में बात की जा रही है। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ होता है कि गंगा का मैदान मुख्य रूप से पूर्व की ओर गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि द्वारा अपवाहित होती रहती है। यानी गंगा का मैदान का मुख्य रूप से पूर्व की ओर गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यमुना हो, घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, सोना हो आदि, जो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ पर दर्शाता है। इसी के साथ अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर है। यानी इसका ढाल जो है, यानी इसकी स्लैंट जो बनी हुई है, पूर्व की ओर बनी हुई है और इससे अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। यानी आपको पता है गंगा के मैदान के क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है और यह कृषि के दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। यानी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ऊपरी क्षेत्र से जो उपजाऊ मिट्टी होती है गंगा जो है अपने साथ लेके आती है और ये मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसका ढाल धीरे धीरे पूर्व की ओर होता है और इसमें अधिक उपजाऊ मिट्टी ही सम्मिलित होती है और यह कृषि की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो साफ होता है कि अत्यधिक जो है आबादी वाली और नदी किनारे मुख्य प्रमुख शहर है। यानी आप इसके सारे समझ गए होंगे कि कहते हैं गंगा के क्षेत्र में गंगा जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पर जो है सबसे आबादी वाले शहर का विकास हुआ है और इसके किनारे किनारे नदी के किनारे किनारे शहरों का निर्माण हुआ है। तो आपको पता है कि वाराणसी का शहर भी गंगा के क्षेत्र में ही विकसित है, ठीक है। तो जितने भी शहर का विकास हुआ है वो गंगा के क्षेत्र में ही विकास हुआ है। इसके कई कारण हैं, एक तो गंगा जो है इसके पानी जो है काफ़ी पवित्र मानी जाती है और इसकी पानी जो है हमेशा शुद्ध रहती है। दूसरी बात ये रहता है कि इससे जो है समुद्री जो हमारे जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उससे फूड मिल जाती है लोगों को, ठीक है। और कई कारे में जो है गंगा के नदी के पानी जो है महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो इन्हीं के कारणों से जो है अत्यधिक आबादी वाले जो है इन्हीं के क्षेत्र में जो है प्रमुख बसे हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। तो आप समझ गए होंगे। 10th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया। देयर इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया। देयर आंसर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। दिस आर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग टू द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बाय ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। इज इम्पोर्टेंट हियर। देयर आर नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग टू द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बाय ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। एंड नेक्स्ट ईयर दिस आर नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल ऑफ द कोस्टल प्लान। एंड थर्ड ईयर द वेस्टर्न कोस्टल इज अ सैंडविच बिटवीन टू द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। एंड द नेक्स्ट इट वॉज अ नैरो प्लान एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इट इज अ नैरो plan and consist of 3 section. The northern part of the coast is called Konkan. The center is called Kanayat plan and the southern part is called the Malabar coast. There is important here. The plan along the Bay of Bengal are wild and level. And 6th point here, in the northern part it is called Northern Circus, well the southern part is known as the Coromandel Coastals. There is important. And 7th point here, large river such as the Mehendai and the Godavari's, there is a Krishna and Kaveri from extensive deltas on the eastern coast. There is important here. And the last point here, lake of
Chilka is also localized on the eastern coast, and it is the largest salt water, lake of India. That is important. Lake Chilka is also localized on the eastern coast, and it is the largest salty water lake of India. That is important here. दसवां क्वेश्चन जो हमारे समक्ष है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते दसवां क्वेश्चन यही बताता है कि भारत के तटीय मैदानों की क्या विशेषता है, भारत के तटीय मैदानों की क्या विशेषता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। कहते ये संकरीय तटीय पट्टी है जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी के साथ चलती है। दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चनों की आप लड़ी जो देख रहे हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो कहते हैं सभी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर आप अच्छे से कोई क्वेश्चन याद कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी उसके साथ आपको कुछ हद तक याद हो ही जाएगा। तो यही तो बात है यहाँ त्रिपाण स्टडी सेंटर का कि हर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रखता है। अगर जो बच्चे ये जो 11 क्वेश्चन है अगर वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्व ही रखता है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने के लिए जो है हमने ये 11 क्वेश्चन का जो सीरीज है सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत डाला है, जो कई मानने में महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से भी और जब आपका जो है हाउस टेस्ट होगा उससे लिए भी। तो ये क्वेश्चन कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। ठीक है, सदैव ये नया ही रहेगा क्योंकि हर समय ये क्वेश्चन ही बनेगा और यही क्वेश्चन ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके सिलेबस में ये रहता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि कर्णी तटीय पट्टी है जो पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी के साथ चलती रहती है। दूसरी बात करें तो ये तटीय मैदानों के पश्चिम तट और पूर्वी तट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरी बात करें तो पश्चिम तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच सैंडविच है, यानी देखा जाए तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच सैंडविच है ये। यह एक संकरा मैदान है और इसके तीन खंड है। संकरा मैदान मतलब तंग मैदान, और इसको एक भाग नहीं तीन भागों में विभक्त किया गया है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण कहते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ के मैदान कहते हैं, और दक्षिण भाग को मल्लेवार तट मैदान कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके तीन खंड किस रूप में यहाँ विद्यमान है। कोंकण के रूप में है, कन्नड़ के रूप में है, और जो है मल्लेवार के रूप में है। बंगाल की खाड़ी किनारे का मैदान चौड़ा और समतल है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाता है कि भारत के तटीय मैदान काफ़ी विशेषता इसलिए रखता है कि बंगाल खाड़ी के किनारे का मैदान जो है काफ़ी चौड़ा और समतल है। कहते हैं उत्तरी भाग में इसी उत्तरी सर्कस तथा दक्षिण भाग को जो है कोरोमंडल तट भी कहते हैं, यानी उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सर्कस तथा दक्षिण भाग में इसको कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ पूर्वी तट पर विशुद्ध डेल्टा बनाती है। देखिए डेल्टा बनाती कौन कौन से हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ जो है पूर्वी तट पर जो है विशुद्ध डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रखता है। अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि चिल्का झील भी पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। देखिए चिल्का झील जो है दोस्तों वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी इसको हम सॉल्टी रिवर भी कह सकते हैं, यानी सॉल्टी झील भी कह सकते हैं, जो काफ़ी नमक से परिपूर्ण है। यानी चिल्का झील जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। सेवंथ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द हिमालय अप्स। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालय ये द हिमालय अप्स मीन्स टेक्सस वोल्केनो इज द मेडिसिनली प्लांट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। A chemical compound is called taxol is extracted from to the bark, needles and twigs at the roots of the tree, and it has been to successful used to the treat some cancer. The drugs is known as the biggest selling anti-cancer drugs in the world. The species are under great threat due to the over exploitations in the last one decade
थाउजेंड ऑफ यर्स ट्री हैज बीन ड्राई अप इज अ वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. यू नो दैट अंडरस्टैंड देर इज अ क्वेश्चन वट इज इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालय यर्ब्स. देर इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालय देर इज इम्पोर्टेंट एयर मेडिकल प्लांट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड टैक्सोल इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बार्क नीडल एंड ट्विंग आर द रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड इट हैज बीन टू सक्सेसफुल इज यूज टू द थ्रेट सम कैंसर थ्रेट ऑफ सम कैंसर. द ड्रग्स इज नाउ देयर अ बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड. This species is under great threat due to the over explanations in the last one regarding thousands of yabs trees have dried up in the various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम क्वेश्चन 11 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. 11 क्वेश्चन देखिए क्या है, कहते हिमालयन यू का क्या महत्व है. आप सोच में पड़ गए होंगे कि हिमालय यू का नाम यहाँ पर क्यों दिया गया. तो हिमालय का महत्व देखिए, जैसे इसकी फॉर्मेशन की महत्ता थी उसी तरह हिमालय के जो है इन क्षेत्रों में क्या उपयोग है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है और इसका हिमालय का क्या महत्व है. कहते हैं हिमालय में अगर देखा जाए तो हर चीज़ जो है वैसे ही विद्यमान है जैसे हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर हर चीज़ को फलने फूलने का पूरा पूरा अवसर मिलता है. तो हिमालय यू का मतलब होता है टैक्सल वल्चियाना, यानी यू हिमालयन यू टैक्सल्स वल्चियाना यानी एक औषधि पौधा है. यानी हिमालयन यू जो है एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाया जाता है. और इस पेड़ की छाल जो है सुइयों टहनियों और जड़ों को जो है टैक्सोल नाम का एक रासायनिक यौगिक निकला जाता है और इसे कुछ कैंसर के इलाज के लिए भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है. और कहते हैं यह दवा अब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर विरोधी दवा है और अति शोषण के कारण प्रजाति जो है बहुत खतरे में है. और पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों नए पेड़ सूख भी गए हैं. तो आप समझ सकते हो कि हिमालयन यू का महत्व इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. कहते हैं हिमालय यू जो एक पौधे का नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पौधे जो है कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्णता भी रखता है. इसका इतना यूज़ होने लगा है कि आज के समय में कहते हैं ये पौधा जो है विलुप्त होने के कगार पर आ गया है. तभी जो है ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी रखता है कि ये पौधा जो है हिमालयन यू यानी टैक्सल वल्चियाना ये कई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ही मिलता है और इसके जो है पेड़ की छाल हो सुइये हो टहनियाँ हो इन सारे से जो है टैक्सोल नाम के एक रासायनिक यौगिक निकलता है जो कैंसर के इलाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है. और कहते हैं इसे कैंसर के इलाज में सफलता भी मिल चुकी है और यह दवा अब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर विरोधी दवा के रूप में जाना जाता है. तभी इस पौधे का जो है जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और अति शोषण के कारण जो है प्रजाति बहुत खतरे में यानी इस प्रजाति के जो पौधे हैं बिल्कुल खतरे के कगार पे आ गए हैं. और पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हजारों नए पौधे जो है सूख चुके हैं. तो ये काफ़ी हिमालयन यू का महत्व यहाँ पर दर्शाया गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम व्यू से भी ज़रूरी माना जाता है. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा समझ के लिए ज़रूरी भी है तो इस पेड़ पौधों के जो है संरक्षण में आप जो है एक मुहिम जरूर चलाइए, जरूर जो है त्रिपाण संरक्षण के साथ जुड़िए, क्योंकि जब तक ये पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं होंगे आने वाला समय में हम बीमारियों से ऐसे ही ग्रस्त रहेंगे. कहते हैं लोग अपने लालच में इस पेड़ पौधों को जो है धनाधुन कटाई कर रहे हैं और धनाधुन इसको बेच रहे हैं, लेकिन ये ऐसे करने से हमारा आने वाला फ्यूचर सेफ नहीं हो सकता है. इसलिए जितना हो सके इस पेड़ पौधों को जो है संरक्षित प्रदान करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को जागने की ज़रूरत है. और सरकार तभी जागेगी जब आप लोग जाग जाओगे और जागोगे तब जब अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से अंक प्राप्त करोगे और आप लोगों में से कोई बच्चा जो होगा अच्छा बनेगा और आगे चल के इन चीज़ों को जो है संरक्षण प्रदान करेगा. तो यही त्रिपाण सेंटर की सबसे बड़ी कामयाबी
होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ के लिए जरूरी था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, जिससे जो है आने वाला समय में आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।